ईश्वर पर सबसे ज्यादा दावा भारतीय जनता पार्टी का है। जब कृष्ण का जिक्र आता है तो सपाई भी दावा करने लगते हैं। ऐसे में अगर आपको बताया जाए कि कृष्ण के परिवार के 122वीं पीढ़ी के सदस्य कांग्रेस के नेता बनकर एक राज्य के कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो क्या आप चौंकेंगे? नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और lallantop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री में आज बात होगी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की, जो बुशहर रियासत से आते हैं और जिस रियासत का दावा है कि वो कृष्ण के वंशज हैं। उनका दावा है कि कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न ने सोनितपुर पर शासन किया था। वही सोनितपुर बाद में सराहन हो गया और ये सराहन रामपुर बुशहर रियासत का हिस्सा है। वहाँ पर एक शानदार महल है जहाँ पर ये लंबी वंशावली रखी हुई है। इस वंशावली में 121वीं पीढ़ी थी राजा पदम सिंह की, जिनकी नवी पत्नी थी शांति देवी, जिनके बेटे हैं वीरभद्र सिंह, जिनकी जब साल 2017 में मैं ये पॉलिटिकल किस्सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उम्र है 83 साल। मेरी जानिब आज से पहले हिंदुस्तान की सियासत में किसी इतने बूढ़े नेता को अगले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। वीरभद्र के नाम और भी कई रिकॉर्ड हैं। तो शुरू करते हैं सियासी कहानी वीरभद्र सिंह की। हिंदुस्तान को आजाद होने में अभी कुछ बरस बाकी थे। शिमला का जलवा अभी कायम था। ये हिंदुस्तान की समर कैपिटल जो था और यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल था बिशप कॉटन स्कूल। तमाम बड़े बड़े परिवारों के लड़के आते थे यहाँ दाखिला लेने के लिए। ऐसे में अगर शिमला के पास की एक रियासत का राजकुमार आया तो कोई कितना नोटिस लेता। लेकिन आज की तारीख में बिशप कॉटन स्कूल का वो रजिस्टर बार बार लोगों को दिखाया जाता है जिसमें 5359 दाखिले के इस नंबर के सामने लिखा हुआ है वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह जिन्होंने बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई की, जो शिमला में है, और बाद में उसी शिमला को केंद्र में रखकर हिमाचल प्रदेश के रिकॉर्ड 6 बार मुख्यमंत्री बने, 21 वर्ष से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले का सफ़र क्या रहा? कॉटन स्कूल से आए, दिल्ली सेंट स्टीफेंस में दाखिला लिया, हिस्ट्री ऑनर्स में बीए किया, एमए किया। इसी दौरान 1954 में जब 20 बरस की उम्र थी तो जुब्बल की राजकुमारी के संग ब्याह भी हो गया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वीरभद्र सिंह की शादी हो गई जुब्बल की राजकुमारी रतन कुमारी के साथ। पढ़ाई जारी रही, अरमान क्या था? हिस्ट्री का प्रोफेसर बनना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने समझाया कि हिस्ट्री का प्रोफेसर बनने से अच्छा है हिस्ट्री बनाना। तुम लोगों के बीच से आए हो, लोगों के बीच वापस जाओ, उनके लिए काम करो। वीरभद्र सिंह को इंदिरा गांधी ने, जो उस वक्त यानी कि 1959 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी ही थी, और प्रेरित किया, अपनी छत्र छाया में लिया, और पापू वो शब्द जो वो नेहरू के लिए इस्तेमाल करती थी, उनकी सलाह को दोहराया। वीरभद्र वापस आ गए। शुरुआती दौर कुछ मुश्किल था क्योंकि परवरिश राज परिवार के अंदाज में हुई थी, मगर धीमे धीमे करके लोगों से मिलने लगे, अपने संपर्क का दायरा बढ़ाने लगे। 1962 में लोकसभा का चुनाव लड़े, बहुत यंग थे अगर उस टाइम का दौर देखें तो, 28 साल की उम्र थी। महासू की सीट, शिमला का पहले यही नाम था, वहां से चुनकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 1967 से मंडी से चुनाव लड़ने लगे, 67 लड़े जीते, उसके बाद 71 लड़े जीते, 77 की इंदिरा लहर में हारे, मंत्री भी रहे थे उससे पहले, डिप्टी मिनिस्टर एक बरस के लिए। जब 77 में हारे तो इंदिरा के साथ बने रहे,
ये ज़रूरी है, क्योंकि उस दौर में कई लोगों ने अपनी वफादारियां बदल ली थी। इंदिरा ने भी भरोसा बनाए रखा और हिमाचल प्रदेश में जब इंदिरा कांग्रेस या कांग्रेस इंदिरा, जिसको संक्षेप में इंका या कांग्रेस आई कहा गया, उसका प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह को ही नियुक्त किया। हालांकि तब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे ठाकुर रामलाल। फिर दौर आया 1983 का। रामलाल ने एक बरस पहले जोड़ तोड़ से सरकार तो बना ली थी, लेकिन उनके ऊपर टिम्बर घोटाले का इल्जाम लग रहा था। हमने ठाकुर रामलाल वाले एपिसोड में आपको विस्तार से टिम्बर घोटाले के बारे में बताया। जब शिकायतें दिल्ली पहुंची, पीसी सेठी ने सफाई मांगी और रामलाल संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। और जब रामलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी का जिक्र कर दिया तो उनकी रुखसती तय हुई। और ऐसे में इंदिरा गांधी को वीरभद्र सिंह याद आए, जो उनकी सरकार में एक बार फिर से राज्य मंत्री बने हुए थे। वीरभद्र सिंह का हिमाचल प्रदेश में बहुत विरोध था। ऐसे में इंदिरा ने दिल्ली के अपने वफादार एचकेएल भगत और उत्तर प्रदेश से सांसद केके तिवारी को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि चूंकि कांग्रेस के पास बड़ा महीन बहुमत है, खुद अपने 31 विधायक और 5 निर्दलीय 68 सदस्यीय विधानसभा में, ऐसे में बिना रक्तपात के ठाकुर रामलाल की जगह वीरभद्र सिंह को बिठा दिया जाए। एच के एल भगत ने और के तिवारी ने ये काम बखूबी अंजाम दिया। और जब प्रस्ताव पढ़ा जाने लगा तो ठाकुर रामलाल को ही विवश किया गया कि वो वीरभद्र सिंह के नाम का प्रस्ताव करें। ठाकुर रामलाल को शायद अतीत याद आया हो, जब 1977 में 28 जनवरी की शाम को जाते हुए मुख्यमंत्री यशवंत परमार ने भी उनके नाम का प्रस्ताव किया था। अरमान एक और आदमी लगाए हुए था मुख्यमंत्री बनने का, मंडी का नेता पंडित सुखराम, जो ठाकुर रामलाल की कैबिनेट में पीडब्ल्यू मिनिस्टर था। लेकिन उसका अरमान तब भी अधूरा रहा, आगे भी अधूरा रहा। आज की सियासत में एक बार फिर से पंडित सुखराम का जिक्र आएगा, मगर अभी तो वीरभद्र के साथ कहानी आगे बढ़ाते हैं। वीरभद्र को पता था कि हिमाचल के मुख्यमंत्री का ताज कांटों का ताज है। ऐसे में पहला मौका मिलते ही उन्होंने अपनी प्रभुता स्थापित कर ली। 1985 का शुरुआती दौर, केंद्र में राजीव गांधी, लोकतंत्र के, भारत के लोकतंत्र के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत लेकर आए थे। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उनका नारा मिस्टर क्लीन साफ सुथरी सरकार, और उससे भी बड़ी वजह थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति लहर, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। ऐसे में वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में भी समय से पहले ही विधानसभा भंग करवा कर चुनाव करवाए और अपने दम पर प्रचंड बहुमत हासिल किया। 1985 के चुनाव का एक और फायदा रहा, वीरभद्र सिंह ने अपने समर्थकों को जमकर टिकट बांटे और ठाकुर रामलाल के समर्थकों के पर कतरे। नतीजा ये रहा कि वो 50 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस को जिताने में सफल रहे। राजीव गांधी भी रामलाल की सियासत को पसंद नहीं कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में गवर्नर वाला कांड पहले ही हो चुका था और कांग्रेस में उनको अलग थलग कर दिया गया था। वीरभद्र किस कदर ठाकुर रामलाल की जगह लेने के लिए आतुर थे और उनका नामो निशान मिटाने के लिए तत्पर थे, इसे यूँ समझें कि जब ठाकुर रामलाल को हिमाचल प्रदेश से आंध्र प्रदेश गवर्नर बनाकर भेजा गया तो उनसे जुब्बल कोटखाई की सीट, जिसका वो 1957 से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस पर इस्तीफा दिलवाया गया और उपचुनाव में वीरभद्र लड़े और जीते। 1985 में भी यही सिलसिला कायम रहा। 5 साल सरकार चलाई। इस बीच रामलाल को जब कांग्रेस ने और किनारे किया तो उन्होंने क्षेत्रीय दल बनाया और बाद में जनता दल में शामिल हो गए। 1990, बिना किसी लहर के वीरभद्र का पहला बड़ा सियासी इम्तिहान। जोरदार मुकाबला हुआ और वीरभद्र बुरी तरह खेत रहे। उनको धर के चांप दिया शांता कुमार ने। जनता दल की भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें आई। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? कुल जमा 8। 8 ही सीटें 85 में बीजेपी को मिली थी। वीरभद्र सिंह ने हार को स्वीकार किया और संगठन को मजबूत बनाने का काम
करते रहे। शांता कुमार की सरकार 2.5-3 बरस ही चल पाई। बाबरी मस्जिद के बाद सरकारें बर्खास्त हुई और तब तक शांता कुमार कई अलोकप्रिय फैसले ले चुके थे, जैसे नो वर्क नो पे और सेब उत्पादकों की सब्सिडी खत्म करना। शांता कुमार वाले एपिसोड में हमने आपको ये सारी चीजें बताई। ऐसे में जब नवंबर 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए तो वीरभद्र के नेतृत्व में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की। खुद शांता कुमार चुनाव हार गए और कांग्रेस को तो 55 से ज्यादा सीटें हासिल हुई। इस बार वीरभद्र को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, 5 साल शासन करने के लिए थे। लेकिन 1998 में उन्होंने फिर से हड़बड़ी दिखाई और समय से 9 महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव करवा लिए। उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी में अभी सिर्फ उटव्वल है, शांता कुमार अब एकमात्र नेता नहीं रहे हैं, प्रेम कुमार धूमल का गुट और भी कई गुट हैं जो सिर उठा रहे हैं। ऐसे में वो आसानी से अगले 5 साल के लिए जनादेश हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पंडित सुखराम, जिनके दावे को किनारे करके 1983 में वो पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। सुखराम ने भी लंबा सफर तय कर लिया था। नरसिम्हा राव के दौर में वो संचार मंत्री रहे थे, हिमाचल प्रदेश में खूब पीसीओ खुले। उसी दौरान उनके घर से सीबीआई की रेड में 3.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी भी पकड़ी गई। हम आप कहेंगे कि लोगों के बीच छवि खराब हुई, लेकिन मंडी और उसके आसपास के इलाकों में उन्हें खूब सहानुभूति मिली और 4-5 लोगों की विधायकी भी मिली। ये संख्या कम लग सकती है, लेकिन 1998 का जो फ्रैक्चर मैंडेट आया, जिसमें बीजेपी कांग्रेस को लगभग बराबर सीटें मिली, यही सीटें महत्वपूर्ण हो गईं और इन्हीं के दम पर प्रेम कुमार धूमल पहली मर्तबा राज्य के मुख्यमंत्री बने। अमूमन वीरभद्र सिंह क्या किया करते थे कि जब राज्य की सियासत में बहुत सक्रिय नहीं होते थे तो लोकसभा का चुनाव लड़ने लगते थे मंडी से। ये सिलसिला भी कायम था। 2003 में चुनाव हुए तो उन्होंने वापसी की और ऐसे में जो मंडी की लोकसभा थी वहां पर 2004 में उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़वाया। ये अभी तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि वीरभद्र ने जुब्बल की राजकुमारी रतन कुमारी से शादी की और अब मैं कह रहा हूं उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह। ये माजरा क्या है? मामला ये है कि उनकी पत्नी रतन कुमारी का 1983 में निधन हो गया। दोनों की 4 बेटियां थी तो उनके राज परिवार के बुजुर्गों ने समझाया, वही सत्य सनातन भारतीय तर्क, महान तर्क कथित रूप से, कि बेटा नहीं होगा तो वंश का खानदान का नाम कौन आगे बढ़ाएगा। ऐसे में 1985 में वीरभद्र सिंह ने दूसरी शादी की। इस बार शादी की कियोथल, जो कि मंडी जिले की एक रियासत है, उसकी राजकुमारी प्रतिभा के साथ, जो उनसे 20-25 बरस छोटी थी। दोनों के 2 बच्चे हुए हैं, विक्रमादित्य और अपराजिता। अपराजिता की शादी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोते अंगद सिंह से हुई है और विक्रमादित्य, वो वीरभद्र की राजनीतिक विरासत पर दावा कर रहे हैं, उस पर भी लौटेंगे। लेकिन कहानी का एक सिरा मैं 2004 पर छोड़ आया था। प्रतिभा सिंह ने तो मंडी से सांसद बनकर अपना सियासी करियर शुरू कर दिया और उधर वीरभद्र बतौर मुख्यमंत्री अपनी पारी को जारी रखे हुए थे। लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार धूमल ने उन्हें स्पष्ट रूप से तगड़ी पटकनी दी। कांग्रेस बुरी तरह हारी, किसी अगर मगर की इस बार गुंजाइश नहीं बनी। और ऐसे में 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो प्रतिपक्ष में बैठे रहने के बजाय वीरभद्र सिंह ने केंद्र का रास्ता लिया। प्रतिभा सिंह पीछे हो गई और मंडी से लोकसभा का चुनाव लड़े वीरभद्र सिंह। जब वीरभद्र सिंह जैसे कद का नेता दिल्ली पहुंचेगा तो ये लगभग अवश्यंभावी होता है कि उसे केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी। उसे केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली, कभी स्टील के मंत्री रहे, कभी किसी और विभाग के, और इसी के साथ वीरभद्र सिंह पर संगीन इल्जामों की बौछार लगनी भी शुरू हो गई। 2 बड़े केसेस का जिक्र करेंगे जो अब तक उनका पीछा
नहीं छोड़ रहे हैं। क्या हैं ये दो बड़े मामले, इनका नाम धर देते हैं सीडी कांड और ईडी कांड। सबसे पहले बात सीडी कांड की, जिसकी शुरुआत मई 2007 में हुई। वीरभद्र ने अभी सत्ता गंवाई नहीं थी। विपक्ष के एक नेता जो कभी जनता दल में रहे कभी भाजपा में, विजय सिंह मनकोटिया, उन्होंने एक सीडी सौंपी करप्शन ब्यूरो को और कहा गया कि इस सीडी में एक बातचीत है, ऑडियो है। इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम ये था कि जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, साल था 1989, तब दाड़ला घाट में अंबुजा को एक सीमेंट प्लांट लगाने के लिए बहुत सारी रियायतें दी गईं और इन रियायतों के बदले में लाभ लिया गया और लाभार्थी का नाम था प्रतिभा सिंह, जो वीरभद्र सिंह की पत्नी थी। ये सीधे सीधे कांग्रेस के पहले सियासी परिवार पर बड़ा इल्ज़ाम था। फिर वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा की सरकार आई, बाकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR दर्ज की, मामला चला और 2012 में जब चुनावों से कुछ महीने पहले वीरभद्र सिंह पर इल्ज़ाम फाइनल हो गए, चार्जशीट सब दाखिल हो गई, कोर्ट में मामला चला गया, तो उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार से इस्तीफा दे दिया। शहादत दिखाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच गए, प्रदेश की कमान कांग्रेस की अपने हाथों में ले ली। चुनाव हुए तो बड़े अंतर से जीत दर्ज की और उसके कुछ समय के बाद जो स्पेशल कोर्ट थी शिमला की, उन्होंने सबूतों के अभाव में वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह को बरी कर दिया। अब ये ईडी कांड क्या है? ईडी और सीबीआई ने अपनी जांच में पाया, जिसकी शुरुआत 2015 से हुई, कि वीरभद्र सिंह ने 6.1 करोड़ की अघोषित संपत्ति बनाई। कैसे बनाई? यूनिवर्सल एप्पल एसोसिएट्स नाम की एक फर्जी कंपनी बनाई गई, जिसके जरिए ये आय दिखाई गई, जबकि इस तरह की कोई कंपनी ज़मीन पर कारोबार कर ही नहीं रही थी। इसमें उंगली सिर्फ वीरभद्र या उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, वही प्रतिभा सिंह जो मंडी से सांसद थी। 2013 में जब वीरभद्र ने सांसदी से इस्तीफा देके हिमाचल का मुख्यमंत्रित्व संभाला, तो फिर से उपचुनाव में सांसद बनी, लेकिन 2014 में हारी। सिर्फ इन्हीं दो के नाम नहीं थे, इस बार नाम वीरभद्र और प्रतिभा की बेटी अपराजिता और बेटे विक्रमादित्य के भी थे। जब इसमें जांच हुई, कार्रवाई हुई, तो अब तक ईडी 40 करोड़ से ज्यादा की वीरभद्र की संपत्ति को जब्त कर चुका है, अटैच कर चुका है। उधर हिमाचल प्रदेश में उनके समर्थक कहते हैं कि राजा साहब के पास तो इतना पैसा है, इतने बड़े परिवार से आते हैं, इतने बरस सत्ता में रहे, 6 करोड़ की रकम बहुत मामूली है। इल्ज़ाम क्या है कि 2009 से 11 के बीच जब ये यूपीए की सरकार में मंत्री थे, तब इन्होंने ये संपत्ति जुटाई। ये एक बड़ा मुद्दा भी है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जब रैली करने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वीरभद्र सिंह की सरकार को जमानती सरकार कहते हैं। ये पूरी कहानी सुनते हुए ऐसा लग रहा है गोया ठाकुर रामलाल के बाद या पंडित सुखराम के बाद वीरभद्र सिंह के सामने कांग्रेस के अंदर से कोई चुनौती ही नहीं आई। ये सत्य नहीं है। जब 2003 में कांग्रेस जीती तो सत्ता के दो दावेदार थे, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, दूसरी ठियोग से विधायक और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और सोनिया गांधी की बेहद करीबी विद्या स्टोक्स। लेकिन जब तक विद्या स्टोक्स 10 जनपद पर आकर मैडम को मनाती चुनाव नतीजे आने के बाद, 30-35 में से 24 विधायकों की वीरभद्र ने शिमला में प्रेस के सामने परेड करवा दी। इतना ही नहीं, विद्या स्टोक्स खेमे के भी आधे विधायक तोड़ लिए। ये वीरभद्र सिंह की सियासत थी, जो सोनिया गांधी को भी उनका नेतृत्व हिमाचल में स्वीकार करना पड़ा। हालांकि उन्होंने भी राजनीतिक समझदारी दिखाई और विद्या स्टोक्स को अपनी काबीना में शामिल किया। एक घूंट और पीना पड़ा अपमान का, जब पार्टी ने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को किनारे रखा और विद्या स्टोक्स के पास कुछ बरस के लिए ही सही कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षी भी बनी रही। दूसरी बड़ी चुनौती कॉल सिंह ठाकुर ने दी, जो नंबर दो की हैसियत रखते हैं उनकी सरकार में, मंडी के बड़े नेता हैं। एक बार तो लगभग तख्ता पलट हो ही गया था, लेकिन वीरभद्र ने किसी तरह विधायकों को अपने साथ बांधे रखा। और कॉल सिंह ठाकुर को कैसे ठिकाने लगाया? जब 2012 में विधानसभा के चुनाव आने को थे, तो सोनिया गांधी संचय दिखा रही थी, कॉल सिंह ठाकुर उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। ऐसे में वीरभद्र ने धमकी दी
कि अगर कांग्रेस की कमान उन्हें नहीं दी जाएगी तो वो कांग्रेस छोड़कर एनसीपी शरद पवार के खेमे में चले जाएंगे। धमकी काम आई, कौल सिंह ठाकुर को हटाया गया और वीरभद्र ने कमान संभाली, फिर मुख्यमंत्री भी बने। 5 बरस से मुख्यमंत्री हैं, चुनाव में जा रहे हैं। इस दौरान भी उन्हें कांग्रेस के एक और प्रदेश अध्यक्ष, जो उनके एंटी खेमे के माने जाते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनसे भी लगातार चुनौतियां मिली। सुक्खू हों या कौल हों, ये सब लोअर हिमाचल से आते हैं, जबकि वीरभद्र सियासत में अपर हिमाचल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस कार्यकाल में जब एक्सिस ने सर्वे किया इंडिया टुडे ग्रुप के लिए, तो पूछा गया कि वीरभद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो ज्यादातर लोगों ने जिसे एक योजना का जिक्र किया वो वर्दी योजना है, स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म बांटने की योजना। और वीरभद्र सिंह के कार्यकाल की, इस कार्यकाल की सबसे बड़ी कमी लोगों को याद आता है, जुब्बल कोटखाई के इलाके में 10वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची का दरिंदगी के साथ हुआ गैंगरेप और फिर मर्डर, और उसमें रसूखदार लोगों को बेशर्मी से बचाने की कवायद। गुड़िया गैंगरेप निर्भया गैंगरेप की तरह नृशंस, और इसकी वजह से वीरभद्र सिंह की सरकार खूब घिरी हुई है। बड़े बड़े अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, जेल भेजा गया। वीरभद्र सिंह अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, ये घिसा हुआ मुहावरा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मानीखेज इस वक्त में है। क्यों? उम्र उनके साथ नहीं है, वो 83 बरस के हो गए हैं। अगर अब चुनाव हारते हैं तो 5 बरस के बाद उनकी दावेदारी कमजोर पड़ चुकी होगी। सोनिया गांधी तो उन्हें पॉलिटिकली एडजस्ट कर ले गई, लेकिन राहुल गांधी बहुत ज्यादा उन्हें पसंद नहीं करते हैं। हालांकि राहुल गांधी की कथित युवा कांग्रेस की पसंद को ध्यान में रखते हुए वीरभद्र सिंह ने भी अपने पत्ते फेंटने शुरू कर दिए हैं, और इसलिए उन्होंने अपने बेटे विक्रमादित्य को पहले तो यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया और उसके बाद अपनी परंपरागत सीट शिमला रूरल की सीट से 2017 के विधानसभा चुनावों में टिकट दिलवाने में भी सफलता हासिल की, और बेटे को सेफ सीट देकर खुद वीरभद्र सोलन की अर्की सीट पर चले गए। अभी तक वीरभद्र की बेटी अपराजिता के सियासत में आने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है, पर राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता है। अंतिम ये एपिसोड भी नहीं है, मुख्यमंत्री के हिमाचल स्पेशल के अगले एपिसोड में आपको बताएंगे प्रेम कुमार धूमल के बारे में, जो इस बार बीजेपी में फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए जेपी नड्डा के साथ करीबी संघर्ष कर रहे हैं। lallantop.com की ये सीरीज मुख्यमंत्री, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अपने दोस्तों को मेंशन करें, खासतौर पर वो जिन्हें सियासत में दिलचस्पी है। और अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी ज़रूर टनटना दें, ताकि जैसे ही कोई पॉलिटिकल किस्सा अपलोड हो आपको फौरन से खबर हो जाए। शुक्रिया। दी लल्लनटॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।